अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ऑलमोस्ट पानी हमारा सूख गया है और बैंगन बिल्कुल अभी गल चुके हैं, तो हम इसे चम्मच की मदद से ही इसे कूट लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उससे इनको मैश कर सकते हैं, लेकिन स्पून से भी ये आसानी से मैश हो रहे हैं तो मैं स्पून से इनको मैश कर दूंगी। सो ऐसे ही हम इसे स्पून की मदद से कूट भी लेंगे और इसका पानी अभी हम पूरा ड्राई कर लेंगे। सो मज़ीद 5 मिनट मैंने इसे भूना है और ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। थोड़ी सी नमी इसमें होनी चाहिए, वो अच्छी लगती है खाने में। आप अपने हिसाब से ही पका सकते हैं, अगर आपको फुल ड्राई चाहिए तो आप इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई कर लें। और ये देखें अच्छे से मैश हो गए हैं, बिल्कुल हमारे बैंगन अच्छे से बिल्कुल मैश हो चुके हैं। सो 30 सेकेंड्स तक मैं इसे थोड़ा सा और भून लूँगी। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, थोड़े से पसंद है तो थोड़े ऐड कर लें। सो 10 सेकंड तक मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है बिल्कुल हल्की से फ्लेम पर। और ये देखें हमारा भरथा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें कितना डिलीशियस सा हमारा भरथा रेडी हुआ है, मुँह में पानी आ रहा है देखकर। सो तैयार है हमारा बैंगन का भरथा। हमने ना इसमें टमाटर ऐड किए
ना हमने इसमें अनियन ऐड किए। और ये देखें, सिर्फ और सिर्फ बैंगन के साथ हमारा डिलीशियस सा बर्था रेडी हो चुका है। तो चलें डिश आउट कर लेते हैं। सो माय यूट्यूब फैमिली, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।